नमस्ते। तो देखिए आज मैं आलू का चिप्स बना रही हूँ। तो ये सारे आलू को मैं छील दी हूँ, एक आलू छोड़ दी थी दिखाने के लिए, तो इस तरह से छील लूंगी। तो देखिएगा ये सारा आलू छील दी हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी, धो लूंगी 2-3 बार साफ पानी से, फिर उसके बाद में चिप्स बनाऊंगी। देखिएगा ये सारा आलू अच्छे से धो ली हूँ और इसको कद्दूकस करूँगी। तो देखिए मैं सब चिप्स कटर मंगाई हूँ, आप चाहे तो कद्दूकस पे भी कर सकते हो। अब चाहे छोटा आलू हो तो इसमें डाल के इस तरह से घिस देना। तो इसको साइड में निकाल रही हूँ और इस तरह से घिसूंगी। बिल्कुल आसान तरीके से यह बन जाता है गाइस, बहुत टेस्टी बनता है और झटपट बनने वाली चिप्स है। देखिए गाइस कैसा चीज बना है, देखिए कितना पतला पतला है। देखिए इसको पानी में डाल दूंगी। देखिए इसी तरह से सारा घिस के पानी में डाल दूंगी। बहुत टेस्टी बनता है गाइस, घर पे बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगा। देखिए आप चाहे तो नाइफ से भी बना सकते हो, थोड़ा मुश्किल होता है पर बनता अच्छा है। सारी बना लेंगे इसी तरह से। तो देखिए गाइस सारा चिप्स मैं काट दी हूँ अच्छे से, देखिए कितना पतला पतला कटा है। अगर आपके पास ऐसा ही चिप्स कटर हो तो इसी से काटना, बहुत पतला पतला चिप्स कटेगा, नहीं तो आप कद्दूकस से भी बना सकते हो। तो देखिए इसको 2-3 बार पानी से धो लूँगी अच्छे से, ताकि हमारा जो भी आलू का टेक्सचर हो निकल जाए। तो देखिए गाइस 2-3 बार धो ली हूँ अच्छे से, देखिए कितना साफ हो गया है। देखिए कढ़ाई में पानी बैठा दी हूँ गर्म होने के लिए। देखिए गाइस पानी गर्म हो गया, इसमें सारे जितने भी है चिप्स सारे डाल दूंगी और 1 मिनट तक कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो देखिए गाइस सारा पीस को मैं डाल दी हूँ, 1 उबाल आने तक पकाऊंगी, यानी 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं पकाना आपको। तो देखिए गाइस 1 उबाल आ गया और 1 मिनट भी हो गया है पकते हुए, जिसको मैं बाहर निकाल दूंगी जल्दी से, ज़्यादा ना गल जाए। देखिए गाइस सारा पानी गल गया है और इसको इस पर फैला दूंगी। कोई सा भी हो तौलिया या मोटा कपड़ा कोई सा भी, उस पर इस तरह से आपको सुखाना है, इस तरह से, तो इसमें पानी है जो ऐसे सूख जाए, नहीं तो 10 मिनट छोड़ देना पंखे के हवा में। सारी फैला लूंगी इसी तरह से। तो देखिए गाइस पूरे में फैला दी हूँ, देखिए कितने दिन में फैलाई हूँ। तो इस तरह से कोई सा भी तौलिया लेके या रुमाल तौलिया इस तरह से आपको चिपका चिपका के पानी सुखाना है। बहुत टेस्टी बनती है गाइस घर पे चिप्स, बच्चे को भी बहुत पसंद आता है। तो आजकल बच्चे तो खाली चिप्स वगैरह बाहर का ही खाते हैं। तो इस तरह से घर पे बना के दीजिएगा चीज़, बहुत टेस्टी बनेगा, सेहतमंद भी रहेगा, सेहत भी सही रहता है बच्चों का। इसी तरह सारा सुखा लूँगी जब तक थोड़ा पानी ज़्यादा अच्छा से ना सूख जाए। तो देखिएगा ये सारा सूख गया है, ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, अच्छे से सुखा दी हूँ। तो चलिए इसको तेल में फ्राई करते हैं। तो देखिएगा इसमें इसमें रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, इसको गर्म होने दूंगी अच्छे से। तो देखिएगा तेल गर्म हो गया, एक डाल के चेक की हूँ, तो इसमें सारा डाल दूंगी इसके करके। कोई बनाना बिल्कुल आसान है गाइस घर पे, बच्चों की सेहत भी सही रहता है। बच्चे क्या करते हैं कि बार बार दुकान में भाग के चीज़ खाने के लिए और वगैरह वगैरह मुझे खाना है, तो इस तरह से बना के चीज़ खिलाइएगा, बच्चे को बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल बाहर की तरह बनेगा। तो देखिएगा इस अभी के लिए इतना ही डाल रही हूँ, उसको अच्छे से फ्राई करूँगी कुरकुरा होने तक। तो देखिएगा इस कैसी चीज़ बन रही है, ये देखिए आवाज़, देखिए कितना आवाज़ आ रहा है इसका, होता है कितना क्रिस्पी बनी है, ये देखिए इसको बाहर निकालूंगी। तो देखिएगा इस बाकी में इस तरह से ही बना ली हूँ, ये देखिए इसकी आवाज़ से कैसा लग रहा है, कितना क्रिस्पी बना हुआ है।
नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, अजवाइन और चीनी, ये सब चीजें भी। देखिए गाइस कैसा लग रहा है। तो देखिए गाइस सारा चीज बना दी हूँ, ये देखिए देखिए आवाज आ रही होगी कितना कुरकुरा बना है। तो इसमें मैं ले रखी हूँ चाट मसाला, कसूरी मेथी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। मैं तीखा कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे तीखा नहीं खाते। ये सब को इसमें डाल के मिलाऊंगी अच्छे से। देखिए गाइस इस तरह से सारा मिला लूँगी। देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए तोड़ के दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए खाना बहुत टेस्टी बनता है गाइस, बहुत अच्छा बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो घर में ट्राई जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। देखिए गाइस कितना अच्छा पाप बना है चीज, तो घर पे ट्राई जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत से बनाती हूँ गाइस। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।